वो वक्त आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी वीडियो इंटरनेट पर रहे ना रहे, लेकिन लोगों के दिमाग में कान में बात होनी चाहिए कि भारत का हर वो हिस्सा जो भारत से चला गया था वो भारत में एक ना एक दिन वापस आएगा। जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ, शायद इस बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, और जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है उसको मैं बताना चाहता हूँ, और इसके आगे पीछे का थोड़ा सा हिस्सा बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो ये सीरीज़ अखंड भारत की मैं बना रहा हूँ, और जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा एजेंडा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो को जब लोग देखते हैं तो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद, जाहिर सी बात है लाइक डिसलाइक से पता चलेगा। तो जो भी व्यक्ति देख रहा है, जो भी अगर उसको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, बुरा लगा तो डिसलाइक कर दो। मैं चाहता हूँ अगर 100 व्यू आए तो 50-50 ही सही लाइक डिसलाइक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बस इतनी ही वो है, बाकी और कुछ नहीं है। खैर, और अगर कोई बिना सब्सक्राइब के देख रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियोस मेरी रीच बढ़े, है ना। अब देखना भी चाहते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अभी रिसेंट में ही भारत ने, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छे से खड़काया और कहा है कि जो आप गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में आप जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप, सरकार तो दूर की बात है, आप कट लीजिए, मतलब पूरा अपना खाली कर दीजिए उल्टा, है ना। तो अच्छे से टाइट किया है, ये बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप है। अभी एक दो दिन पहले एक भाई कमेंट में कह रहे थे कि इतने समय से भाजपा और आरएसएस है, आज तक ये लोग कश्मीर नहीं ले पाए, और 6 साल के आसपास हो चुका है, 6 साल से ज़्यादा हो चुका है कह सकते हैं कि मोदी जी भी पावर में हैं और अभी तक कश्मीर नहीं ले पाए, वो वाला POK नहीं ले पाए। तो मैंने कहा भाई वो लोग टेक्निकलिटी अभी नहीं समझ पा रहे हैं, POK को तो सिर्फ भुनाया जा रहा है, POK मात्र छोटा सा हिस्सा है, और उनको चाहिए गिलगित बल्तिस्तान। वो बहुत समय से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को अपनी 5वीं प्रोविंस की तरह अपना हिस्सा बना ले और उसमें अपनी सरकार बना ले, लेकिन उसके खुद के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि नहीं, वो अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, जो भी है तुम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो चला सकते हो, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। वहाँ की खुद की जनता, जैसे यहाँ पे माहौल बना था, लेकिन वहाँ पे सच में ऐसा है कि वहाँ की खुद की जनता विरोध करती है, वहाँ पे वो पाकिस्तान का रूल नहीं चाहती, या तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहती है या तो वो इंडिया के साथ मिल जाना चाहती है। अगर कोई बलूचिस्तान का देख रहा हो तो एग्री या डिसएग्री करके मुझे बता सकता है, मतलब कमेंट में। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत समय से लगी हुई थी कि करो करो करो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2018 में, मना कर दिया था उसने। 2019 में इस 10 दिन के अंदर अंदर एक और जजमेंट आता है कि आप सरकार वहाँ बना सकते, और जाहिर सी बात है कि कुछ सेटिंग वेटिंग लगाई होगी, और जैसे ही एजेंटमेंट आया फिर हमारे भारत की सरकार ने प्रोएक्टिव होते हुए कड़े शब्दों में साफ साफ ये वर्ड कहे, पर्सनली बात करके, कि भैया सरकार दूर की बात है, पहले आप वो एरिया ही खाली करिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हमने बता दिया है कि इस क्राइसिस में भी हमें उस हिस्से की चिंता है जो हमेशा से हमारा था, बस तुमने नाम बदल के कह दो, टेरिटरी बदल के कह दो, बाउंड्री खींचे कह दो, हमारी कुछ पुरानी सरकारों की गलती की वजह से कह दो, कहीं और चला गया। वो वक्त आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी वीडियो इंटरनेट पर रहे ना रहे, लेकिन लोगों के दिमाग में कान में बात होनी चाहिए कि भारत का हर वो हिस्सा जो भारत से चला गया था वो भारत में एक ना एक दिन वापस आएगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ, ये वापस आएगा, और इसको लाने के लिए जो 130 करोड़ ना सही 100 करोड़ भी अगर लग जाएंगे, 100 करोड़ इतनी बड़ी आबादी होती है जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी जिसकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बस यूनिटी का देर है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कर सकता है तो उसके पीछे कम से कम अपनी वो ताकत दिखाओ, वो जन सैलाब दिखाओ, वो सपोर्ट दिखाओ, उसकी पॉलिटिकल पावर को इतना बढ़ा दो कि वो आदमी ये मुमकिन करके दिखाए। आज ये हम जबान बोल रहे हैं, दो दो तीन दिन में ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं, जैसे पुलवामा, बालाकोट, ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ें आप जब हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना अपने प्रधानमंत्री के पीछे एक ऐसा सपोर्ट दिखाया जाए, ऐसी इनविजिबल सत्ता हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे लेफ्टिस्ट और मुसलमानों की क्रिएटेड है, कि कुछ भी होता है वो हर चीज़ में देश का माहौल ख़राब कर देते हैं, कुछ भी, बीच के सारे फैसले जो हुए उसके हर फैसले में ख़राब किया गया। जो 370 हटा कश्मीर में, पूरी आर्मी बिछी थी पग पग पे, वरना हो सकता था कि पूरा कश्मीर जल रहा होता और हम लोग कुछ ना कर पाते और फिर सरकार पे एक इल्ज़ाम लग जाता कि कश्मीर की दोस्ती है। और ये वाली सरकार सिर्फ तभी कुछ करना चाह रही है जब उसको समय समय पे जनता का सपोर्ट नज़र आता रहे।
अगर आप चीज़ों के सपोर्ट में हैं, अगर आप रोड पे आते हैं, तो विरोध वाले जितने निकलते हैं उसकी करोड़ गुना ज़्यादा तादाद में आप निकलिए। अगर वो 1,000 निकलते हैं तो आप 1,00,000 निकलिए, 10,00,000 निकलिए, 1,00,00,000 निकलिए, लेकिन आपको अपना समर्थन ऐसे ही अपनी सरकार को देना होगा। खैर, अखंड भारत में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करते रहेंगे तो ये जो सोच है हमारी, जो कॉन्फिडेंस हमारा, वो बढ़ेगा। बहुत लोगों के अंदर है, बहुत लोगों के अंदर की इच्छाएं हैं कि उन्हें अखंड भारत चाहिए। लोग कमेंट करके कहते हैं कि हमें चाहिए, हम चाहते हैं, पर हमें पॉसिबल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा कि हो कैसे सकता, ये होगा कि नहीं होगा, हमारी इच्छा तो है पर होगा कि नहीं होगा। खैर, इच्छा यही बड़ी बात है, लेकिन उन्हें तरीका ही नहीं पता कि कैसे होगा। अब भाई, एक इंडिविजुअल, अगर मान लो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं कोई पॉलिटिक्स में तो हूँ ही ना, बिजनेसमैन हूँ ना आर्मी में हूँ, कि मैं किसी तरीके से डायरेक्ट सहयोग कर पाऊँ। मैं इनडायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं जनता को यूनाइट करने के लिए कुछ भाषणबाजी कर सकता हूँ, मैं सरकार को मोटिवेट करने के लिए कहीं कुछ लिख सकता हूँ, एक माहौल क्रिएट कर सकता हूँ कि हाँ, जनता उसके साथ है। उसी तरीके से जनता हमेशा अपनी सहमति दे के, स्ट्रांगली फर्मली अपना सपोर्ट दिखा के कि हम हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, टस से मस नहीं होना है इस एजेंडे से, और अखंड भारत हमें चाहिए। कोई भी आएगा, कहीं से भी आएगा, देश को अलग करता जाएगा और ये होने दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप इसी से एग्जांपल लगाइए कि आपका घर है 10 कमरों का, आपके घर में लोग आते हैं, आपने पनाह दी क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आपके यहाँ लोग आते हैं और आपका हर एक कमरा हथियाने लग जाते हैं किसी ना किसी पॉलिटिक्स से, और आप ये सोचते हैं कि बाहर वाले कह रहे हैं या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे आपको तो सेकुलर होना चाहिए, कमरा जा रहा जाने दो। ऐसे करते करते आपके पास 10 में से 4 ही कमरे बचे, 6 चले गए। उस 10 में से 4 कमरे पे भी आप अच्छे से हक नहीं जमा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप तो सेकुलर कंट्री हैं, और सॉरी सेकुलर घर के मालिक हैं। तो आप मालिक कैसे हुए? जितने लोग हैं उनके जो निशानियाँ छुटी हुई हैं, उनके कुछ लोगों का हाथ है और हिस्सा है, तो वो भी आपका नहीं रहा इनडायरेक्टली। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतनी जल्दी अखंड भारत का सपना पूरा होगा। अखंड भारत होना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, पंथ, किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर कोई इंटेलेक्चुअल देख रहा होगा तो समझ जाएगा, किसी के खिलाफ नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र बन जाने से किसी को हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे, क्योंकि पता है उनके अंदर वो छवि बनी हुई है, वो मानसिकता रही है हमेशा से कि जैसे हम करते हैं दूसरों के साथ, गैरों के साथ, काफिरों के साथ, काफिर मतलब जो उनके रिलीजन से वाकिफ नहीं रखते, वो किसी के साथ भी मैं टर्म कर सकता हूँ, क्रिश्चियन के साथ भी कह दो, मुसलमानों के साथ भी कह दो, तो वो सोचते हैं कि हम भी वही करेंगे। अगर हम वैसे होते ना, तो यहाँ पे गैर हिंदू कह लें, गैर सनातनी कह लें, गैर हिंदू तो अभी भी बहुत लोग हैं, गैर हिंदू मतलब जो हिंदुस्तान के कल्चर को नहीं मानते और अरबी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर लाना चाहते हैं, उनको गैर हिंदू मैं कहना चाहता हूँ, किसी पंथ को टारगेट नहीं करना चाहता। तो हम उनको रहने नहीं देते, शुरुआत से नहीं रहने देते, हम सेकुलर हैं, इसका सबूत हमें देने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपना स्टैंड, अपना सपोर्ट करंट गवर्नमेंट के साथ बनाए रखिए। मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में अगर कोई चेहरा है और कोई कर सकता है, तो ये पार्टी, ये प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। मैं स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ, कोई मुझे भाजपा वाला बोलना है बोल दे, संघी बोलना है बोल दे, और जो बोलना है बोल दे, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो ये कर सकता है, वरना कोई नहीं कर पाएगा। अभी तो किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।